Hello, children. Welcome to Diyavati Modi Public School. This is your online class of SST. Today, we will discuss chapter 2 of geography, that is, globe, latitudes, and longitudes. Children, you know very well that our planet Earth is slightly flattened at the north and the south poles. And bulge in the middle. Look at a globe. Globe is a miniature form of the earth. Globes may be of varying size and type. Big ones which cannot be carried easily. Small pocket globes and globe-like balloons, which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a porter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents, and oceans are shown in their correct size. We need certain points of reference and lines to find out the location of places because it is difficult to. Describe the location of a point on a sphere like the earth. Look, children, a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. Two points on the globe through which the needle passes are two poles, north pole and south pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves but children real earth has no such needle it moves around its own axis which is an imaginary line another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts and this line is known as the equator northern half of the earth is known as the northern hemisphere, and southern half is known as the southern hemisphere. Because they both are equal. So, equator is an imaginary circular line, and it's very important reference point to locate places on the earth, all parallel circles. फ्रॉम द इक्वेटर अप टू दोल्स आर कॉल्ड पैरल ऑफ लैटीच्यूड्स एंड दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज चिल्ड्रन इक्वेटर जो है वो जीरो डिग्री लैटीट्यूड है अब इक्वेटर से किसी भी पोल की दूरी जो है चाहे वह नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो वो है वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल और आप सबको पता है एक सर्कल थ्री सिक्सटी डिग्रीज का होता है तो जब हम थ्री सिक्सटी को फोर से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 90 डिग्री तो 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड उसको हम मार्क कर देते हैं नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को हम मार्क कर देते हैं साउथ पोल तो जितने भी पैरलर्स हैं जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड हैं उन्हें हम नॉर्थ लेटीट्यूड्स कहेंगे और इसी तरीके से जो इक्वेटर के साउथ में जितने भी पैरलर्स आएंगे उन्हें हम साउथ लेटीट्यूड्स कहते हैं चिल्ड्रन जो लेटीट्यूड नॉर्थ की साइड है उसे हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करेंगे और जो लेटीच्यूड साउथ की तरफ है उसे हम कैपिटल लेटर एस से डिनोट करेंगे फॉर एग्जाम्पल चंद्रपुर इन महाराष्ट्र जो इंडिया में है और बेलो होरिजेंटो इन ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में है वो दोनों ही कहाँ लोकेट हैं पैलर्स ऑफ अबाउट ट्वेंटी डिग्री लैटीट्यूड ट्वेंटी डिग्री लैटीट्यूड पर लोकेट हैं वो दोनों ही प्लेसेस लेकिन जो चंद्रपुर है वो ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ पर है इक्वेटर के और जो बेलो हरिजेंटो है वो ट्वेंटी डिग्री साउथ पर है तो क्या मतलब हुआ इसका कि चंद्रपुर जो है वो ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पर सिचुएटेड है और बेलो ओरिजेंटो ट्वेंटी डिग्री साउथ लेटीच्यूड पर सिचुएटेड है क्लियर चिल्ड्रन अब फिगर में देखो जैसे ही हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे जो पैरलर्स ऑफ लैटीच्यूड का साइज है वो कम होना शुरू हो जाएगा इंपॉर्टेंट पैरलर्स ऑफ लेटीच्यूड्स चिल्ड्रन हमने रीड किया कि सभी लैटीच्यूड्स पैरलर होते हैं हमने इक्वेटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में भी डिस्कस किया अब इन तीनों पैरस ऑफ लैटीच्यूड के अलावा भी फोर इम्पोर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं आप देखिए इक्वेटर से ऊपर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नदन हेमिस्फीयर में 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पर पैरलर ऑफ लैटीच्यूड है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे अब बेटा क्योंकि सभी लैटिट्यूड्स पैरलर हैं तो इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी इतने ही डिस्टेंस में एक लैटिट्यूड तो होगा ना तो साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ इतने ही डिस्टेंस में मींस ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी मिनट्स साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो पैलर ऑफ लैटिट्यूड है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहेंगे राइट अब आप नॉर्थ में ऊपर जाइए नदन हेमिस्फीयर में 23 के बाद 24 25 30 50 60 ऐसे करते हुए जब 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में आप जाएंगे नदन हेमिस्फीयर में तो जो सर्कल बनता है जो पैरलर ऑफ लेटीट्यूड है उसे हम आर्कटिक सर्कल कहेंगे अब सदन हेमिस्फीयर में भी ये पैरलर ऑफ लेटीट्यूड होगा इतने ही डिस्टेंस में तो आप सदन हेमिसफेयर की तरफ आइए यहाँ पर भी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ऐसे काउंट करते हुए जब सिक्सटी सिक्स डिग्री थर्टी मिनट्स साउथ में इक्वेटर के साउथ में बेटा जो पैर ऑफ लैटीच्यूड है उसको हम एंटार्क्टिक सर्कल कहेंगे क्लियर अब बेटा हमने इसका क्लासिफिकेशन क्यों किया हमने इसका क्लासिफिकेशन इसलिए किया बेटा कि ये लैटीच्यूड्स अलग अलग हीट का अमाउंट रिसीव करते हैं क्लियर ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ द इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। द सन्स रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर एंड हैंस इट रिमेन्स हॉट सो द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर And the Tropic of Capricorn receives the maximum heat and is called the torrid zone. Next, temperate zone. As we move up or down the equator to the poles, the amount of direct sunlight reduces. These areas receive the slanting rays of the sun, hence, the areas. Bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere, have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. And next, the frigid zone. Further, the range near the poles are scattered over a large area hence areas near the poles are cooler than those near the equator so the areas lying between the arctic circle and the north pole in the northern hemisphere and the antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere are very cold these are therefore called frigid jones okay children that's all for today's lecture we will continue this lesson in our next video bye-bye